दीदी क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? पिंगर की भेल। अच्छा पिंगर की भेल, बहुत अलग अलग टाइप की भेल खा चुकी है तो फर्स्ट टाइम हम लोग पिंगर की भेल ट्राई करने जा रहे हैं। तो जो पिंगर का जो पहाड़ है, पहाड़ में से दीदी पिंगर निकाल रही है, तो कैसे देती है पिंगर भेल आंटी दीदी? 25 रुपये प्लेट। तो 25 रुपये प्लेट मिलता है, तो एक प्लेट में मतलब कितने पिंगर डालते हैं दीदी? एक प्लेट में। अच्छा एक प्लेट में 10, तो क्रश कर ले। कब से सेल कर रहे हैं दीदी यहाँ पे? इसमें चूड़ा डाल दिया, थोड़ी लाल मिर्ची, अच्छा नमक तो इस पर प्याज डालेंगे। तो दीदी कब से, कितने साल से सेल कर रहे हैं यहाँ पे? 30 साल से। अच्छा 30 साल हो गए आपको? मम्मी अच्छा रहती मम्मी है। रहती है पर आप? अच्छा तो यहाँ से 30 साल से बेच रहे हैं यहाँ पे। और एड्रेस क्या बताएंगे दीदी यहाँ का? बाल उद्यान सेमिनरी हिल्स के एकदम अपोजिट में आपको दीदी का स्टॉल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आकर देख सकते। और क्या क्या मिलता है दीदी अपने इधर? कच्चा चूड़ा, मसाला मैगी, चना चोर। अच्छा सब कुछ मिलता है मतलब? सब कुछ। अच्छा मुरली की भेल। अच्छा तो सबसे ज्यादा क्या बिकता है यहाँ पर? कच्चा चूड़ा, मसाला मैगी। अच्छा कच्चा चूड़ा और मसाला मैगी सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसमें प्याज डाल दिया, धनिया डाल दिया, और क्या क्या पड़ेगा इसमें दीदी? टमाटर लींबू। अच्छा हेलो। और क्या प्राइस रहता दीदी इसका? ये 25 रुपये प्लेट है। अच्छा 25 रुपये प्लेट है, सभी भेल 25 रुपये प्लेट। अच्छा तो इसमें टमाटर भी डाल देंगे बारीक। तो सबसे ज्यादा क्या चलता है दीदी? कच्चा चूड़ा सबसे ज्यादा। फिंगर भेल नहीं चलती ज्यादा? नहीं ये भी चलती है पर कम क्वांटिटी में। और क्या क्या पड़ेगा दीदी इसमें? नींबू पड़ेगा। पूरा एक नींबू डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। देखो आपका कितना अलग, कितना यूनिक साइज से बन रहा है ये भेल। तो मुरमुरे की तो भेल बहुत खा लेंगे आप सभी ने, पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे कि फिंगर की भी भेल बन रही है। ये मिलेगा आपको नागपुर में दीदी के पास। ऊपर से शेव भी आया चूड़ा थोड़ा सा। रेडी हो गई? रेडी हो गई। हो गया?